ਵੀ ਸਰੇ ਬਿੱਲੋ ਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। हेलो हेलो सर, मैं मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हेल्प तो आप कर सकती हो, मगर हाँ करो तो। जी सर बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? छोटा सा काम है बस, आप मेरी शादी करा दीजिए। किससे सर? आप पहले ये बताइए, सुबह सुबह घर से लड़कर आई हो क्या? नहीं पर क्यों सर? आपको नहीं पता कि शादी लड़की से होती है? बस आप इतना कीजिए, मेरी लड़की से शादी करा दीजिए। सर मैं आपकी शादी किस लड़की से कराऊं, क्या आप जानते हैं उसे? नहीं नहीं मैं किसी लड़की को नहीं जानता मैडम। सर आपकी शादी मैं किस लड़की से कराऊं? अरे मुझे क्या पता ना, तुम कराओ ना मेरी शादी। अच्छा इसका मतलब है कि आपकी शादी की लड़की भी हमें ढूंढनी होगी। हाँ अब सही पकड़ा है मेरी बात को मैडम, तुम मेरी शादी करा दो ना बस। लड़की कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? सब तरह की चलेगी मैडम, मैं इनकार नहीं करता, अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी कोई भी होगी चलेगी। अच्छा सर ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? यस यस क्यों नहीं, मेरी उम्र 40 साल है मैडम। अगर आपके पास 40 साल की नहीं है तो टेंशन मत लो, 20-20 साल की कोई दो दे दो मैडम। सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, हमारे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सर मैं आपसे जो पूछ रही हूँ ना सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। तो पूछिए मैडम, मना किसने किया है? अच्छा सर फिर ये बताइए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? मैडम जी प्रॉपर्टी का तो मत पूछिए, मेरे पास तो बहुत है बहुत, 20 बंगले हैं, 40 दुकानें, 40 फैक्ट्रियां और 300 मकानों की कॉलोनी बना रहे हैं। सर अभी आप ये बताएं कि अब कहाँ पे हैं? क्यों क्या हुआ मैडम जी? सर मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। अगर किस लिए आ रही हो मैडम जी? आपसे शादी करने के लिए। तो आ जाओ मैडम जी, मैंने मना कब किया है, अंधे को क्या चाहिए, ओनली 2 आईज 2 आँखें। तो फिर सर आप मुझे अपना पता बताइए। तो मना किसने किया है मैडम जी, लिखिए एड्रेस, जिला रहीमयार खान, तहसील लियाकतपुर और मौजा तो हमारा रशीदाबाद है। तो जल्दी आओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ओके। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, खत्म होगी जिंदगानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आप वही है ना जो मैरिज ब्यूरो कस्टमर में फोन किया था? और आप वही है ना जिसके पास 20 बंगले, 40 दुकानें और 50 फैक्ट्री? वो आप भूल गई हो, 300 मकानों वाली कॉलोनी। हाँ वो तो याद हो गया। हमारी शादी, चलो हमारे बंगले में। रुको मैं कटोरा लेकर आता हूँ। लेकिन वो क्यों? मैंने जो वो दुकानें और बंगले बताए थे उसके सामने बैठकर भीख मांगेंगे। रुको मैं कटोरा लेकर आता हूँ। ओ बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे मेरे, कमेंटा च गाल नहीं कढ़नी।